हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मधु और आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग शूट कर रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे कान्हा जी को बर्थडे है, तो मैंने भी कुछ डेकोरेशन वगैरह किया है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या डेकोरेशन किया है। यहाँ पर मैंने ये फ्लावर बनाए हुए हैं जिनसे मैं टेबल को डेकोरेट करूँगी, और ये दूसरे टाइप के फ्लावर्स हैं जिन्हें मैं वॉल पर लगाने वाली हूँ ताकि वो अच्छा दिखे वॉल। और ये कान्हा जी की ड्रेस बनाई हुई है जो मैंने अपने हाथों से स्टिच की हुई है, और ये बांसुरी है जो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बट ठीक है, कोई नहीं। अभी मैंने यहाँ पे फ्लावर लगा दिए हैं, पांच फ्लावर बनाए थे जो मैंने वॉल पर अभी लगा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताना कि ये कैसे लग रहे हैं, कलर इनका कैसे लग रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम DIY किया है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट करना। यहाँ कान्हा जी का झूला रेडी है जिसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, और ये गौशाला, ओपन फील्ड गौशाला बनाई हुई है। एक्चुअली हम बिग गौशाला बनाने वाले थे, बट हमको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा तो हमने सोचा ये ट्राई करते हैं। और यहाँ मुझे मिट्टी की मटकी नहीं मिली तो मैं ये कांच की मटकी लेकर आई थी, जिसको सपोर्ट देने के लिए अभी हमने कप रखा हुआ है क्योंकि ये बहुत हैवी है इसलिए। बाकी अभी हमारा डेकोरेशन कंप्लीट हो चुका है, लाइट वगैरह लग चुकी है, और यहाँ पे मेरा प्रसाद भी रेडी हो गया है, बस अब पूजा करना है। तो यहाँ अभी राज पूजा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ मैं सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसके बाद सब डिनर करेंगे। और ये था हमारा छोटा सा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।